नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ। समर्थन मूल्य पर चना खरीदी ना होने से किसानों में रोष, सरकार को दी दिल्ली कूच करने की धमकी। कोविड 19 के चलते बेंगलुरु फ्लावर शो हुआ रद्द, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल आयोजित होता है शो। बासमती चावल के जीआई टैग विवाद में उलझा मध्य प्रदेश, एपीडा ने किया जीआई टैग देने से इनकार। राजस्थान में किसान महापंचायत की अगुवाई में किसान आंदोलन जारी है। इस किसान आंदोलन की अगुवाई रामपाल जाट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समर्थन मूल्य की खरीदी का लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया और दोबारा से खरीदी नहीं शुरू की गई तो सभी किसान मिलकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जिसके बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करीब 2 किलोमीटर लंबा जत्था लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें महला में ही रोक दिया। दरअसल राजस्थान में इस बार 26.85 लाख टन चने की पैदावार हुई है। सरकार ने 6.17 लाख टन चना समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा है। उसके बाद सरकार ने ये कहते हुए खरीदी बंद कर दी कि नियमानुसार 25% चना ही समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद सकती है, जबकि किसान मांग कर रहे हैं कि खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% की जाए। किसानों का आरोप है कि 30,000 किसान ऐसे हैं जिनका सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण भी हो चुका है और टोकन दिया जा चुका है, बावजूद इसके सरकार माल खरीद नहीं कर रही है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य की खरीद की दर 4,800 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में बेचने पर उन्हें प्रति क्विंटल 1,200 रुपए तक का घाटा हो रहा है, जबकि कोरोना महामारी और टिड्डियों के हमले के चलते किसान पहले से ही काफी नुकसान झेल रहे हैं। बेंगलुरु में आयोजित होने वाला फ्लावर शो यानी कि पुष्प प्रदर्शनी हमेशा से ही सबके लिए उत्सुकता का केंद्र रही है। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से इस पुष्प प्रदर्शनी को रद्द करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दूसरा मौका है जब इस पुष्प प्रदर्शनी को रद्द करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस फ्लावर शो का लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले ये शो 1890 में आयोजित किया गया था और 1912 से मैसूर बागवानी सोसाइटी के सहयोग से शो लगातार आयोजित होता रहा है। दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पौधों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक बड़े से ग्लास हाउस का निर्माण कराया गया। बाद में इसी ग्लास हाउस का उपयोग फ्लावर शो आयोजित करने के लिए किया जाने लगा। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार आम और कटहल मेला भी आयोजित नहीं हो पाया है। दुनिया भर में अपनी स्वाद और महक से पहचान बनाने वाला बासमती चावल इन दिनों अपनी पहचान के लिए ही कानूनी विवाद में उलझा हुआ है, जिसे आप ज्योग्राफिक इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग विवाद के नाम से जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इसकी गुहार लगाई है। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के बासमती चावल की गुणवत्ता हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादित चावल से बेहतर बताते हुए प्रदेश सरकार ने कहा है कि यहां से हर साल 59,238 मीट्रिक टन का बासमती चावल एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन कभी गुणवत्ता की शिकायत नहीं आई। लेकिन एपीडा ने गंगा क्षेत्रों पर बासमती का पारंपरिक अधिकार बताते हुए प्रदेश सरकार के समर्थन से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जीआई टैग पर एमपी सरकार इतना जोर क्यों दे रही है, तो हम आपको बता दें कि जीआई टैग लगा होने से चावल को उस क्षेत्र की मान्यता मिल जाती है और उसी को असली चावल भी माना जाता है, जिससे बाजार में इसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 77 जिलों को बासमती चावल की अलग अलग किस्मों का जीआई टैग मिला हुआ है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।